नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे थिएटर के पांच ऐसे सीक्रेट के बारे में जो कि दोस्तों बहुत ही कम लोगों को मालूम होता है। सबसे पहली बात दोस्तों, आपने लेफ्ट स्पीकर देखे होंगे, राइट स्पीकर देखे होंगे जो कि नॉर्मली थिएटरों में लगे होते हैं। क्या आपको मालूम है दोस्तों, जो स्क्रीन के पीछे जो पिक्चर चल रही होती है उसकी स्क्रीन के पीछे भी कुछ इस तरीके के स्पीकर लगे होते हैं, स्पेशली बेस के लिए और ज़्यादा धमक पैदा करने के लिए, जो ट्विटर साउंड पतली उसे और ज़्यादा पुशअप करने के लिए, और जो नॉर्मल साउंड है उसके लिए भी दोस्तों फ्रंट ऑफ स्क्रीन स्पीकर लगाए जाते हैं। डेट मीन्स ये है कि दोस्तों जो हमारे कान है वो डिज़ाइन ही इस तरीके से होते हैं, कोई ज़्यादा पीछे से आवाज़ देता है तो इतनी अच्छी धमक से आपको सुनाई नहीं देता, और साइड में भी आपको तब आप फ्रंट के ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकर फ्रंट के साइड लगाए जाते हैं तो आप देखोगे फ्रंट पे स्पीकरों की संख्या ज़्यादा होती है किसी भी थिएटर में, तो वहाँ पे एक रियली साउंड तो इफेक्ट मिलता है लेकिन जो फ्रंट से साउंड आती है दोस्तों वो एक अलग ही विजन प्रोवाइड करवाती है और एहसास दिलवाती है कि हाँ मूवी आप देख रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको टीवी पे, या मैं बात करूं घर में सिनेमा बनाते तो वहां पे मजा नहीं आता तब तक आप थिएटर में नहीं जाते, क्योंकि जो मेन मजा आता है दोस्तों वो स्क्रीन के पीछे से साउंड जो आती है वो और अलग ही इफेक्ट पैदा करती है। दूसरी चीज होती है जैसे कि दोस्तों आप कमरे में कोई स्पीकर बजाएंगे तो साउंड गूंजने लगती है और ज्यादा तेज बजाते तो भम 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 लगती है। लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा होगा थिएटर में आप जाते तो वहाँ पे साउंड क्यों नहीं गूंजते, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे नॉइस रिड्यूसर लगाए जाते हैं। डेट मीन्स ये है जो शोर शराबा है एज्यूम कर ले वाइब्रेट ना करे कोई भी चीज़। तो दोस्तों जो बोर्ड यूज़ किया जाता है, जैसे कि दोस्तों कोई पार्टिकुलर मैं बात करूं पटला काट के प्लाई काट के ऐसे यूज़ नहीं की जाती, जो भूसा होता है उसके बोर्ड बनाए जाते हैं जो कि स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं ऐसी साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए जो कि गूंजे ना। तो डैट मीन्स ये है कि साउंड गई, क्योंकि साउंड गूंजती तभी है दोस्तों तब रिफ्लेक्ट होके वापस आए, तब वो बोर्ड हर जगह आपको ऊपर के साइड देखते होंगे तो वहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ होता है कुछ कुछ अलग अलग डिज़ाइन के, जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ अलग से डिज़ाइन दे दिए हैं। लेकिन दोस्तों जो दीवारों पे स्पेशली यूज़ किए जाते हैं, नीचे कारपेट यूज़ की जाती है कि कोई चले तो उसकी भी नॉइस ना आए, तो पिक्चर का मजा ख़राब नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, तो वहाँ पे नॉइस रिड्यूसर लगाए जाते हैं स्पेशली, और इसीलिए डिज़ाइन किए जाते हैं जो भी बेस होता है धमक होती है। जैसे कि दोस्तों आप देखते होंगे थिएटर पे तब कोई ऐसा सीन आया, कोई कार कर गई या कोई बम ब्लास्ट हो गया बम जैसे बोलता है तो वहाँ पे वो साउंड ख़त्म ही नहीं हो पाएगी क्योंकि इतनी तेज रिफ्लेक्ट होती है, तो वहाँ पे मतलब नॉइस रिड्यूसर ना लगाया जाए तो वो चीज़ कभी आपको मतलब एक भड़ाका हुआ और बिल्कुल साउंड ख़त्म हो गई और पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया तो वो इसी वजह से हो पाता है। ये ना हो तो दोस्तों पॉसिबल ही नहीं है जो साइलेंट आपको देखने के लिए मिले हॉल में। दूसरी चीज़ है दोस्तों प्रोजेक्टर, कभी भी आप देखते होंगे पीछे से लाइट तो आ रही है लेकिन क्या एक ही प्रोजेक्टर काफ़ी होता है, तो मैक्सिमम सिनेमा घरों में आपको दो प्रोजेक्टर देखने के लिए मिलते हैं कि इत्तेफाक कोई प्रोजेक्टर में ड्यूरिंग द मूवी टाइम कोई परेशानी आ जाए तो दूसरे प्रोजेक्टर में तुरंत प्रोजेक्ट की जाती है। लेकिन दोस्तों 3D में स्पेशली दो प्रोजेक्टरों का यूज़ किया जाता है या एक ही प्रोजेक्टर दो प्रोजेक्टिंग देते हैं स्क्रीन पर, तभी वो 3D विजुअल का आपको एक्चुअली मज़ा मिल पाता है। लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रोजेक्टर आज की डेट में बात करी जाए तो आपको नॉर्मल एक ही स्क्रीन से ही प्रोजेक्टिंग कर देते हैं, लेकिन दोस्तों वो आपको जो मज़ा है वो नहीं मिल पाता, तो इसलिए जो स्पेशली 3D इफेक्ट है वो दो प्रोजेक्टरों को साथ में प्रोजेक्ट करके दिया जाता है। और स्पेशली बात की जाए तो आप विथआउट 3D मूवी देख रहे हैं तो ये दोस्तों दो प्रोजेक्टरों का जो मतलब कॉन्सेप्ट आया था ना बीच में मूवी के इंटरवल क्यों होना था, क्योंकि दोस्तों जो पहले फिल्म आती थी 34mm की या 35mm की वहाँ पर जो रील थी वो बहुत तेज तेज बदलनी पड़ती थी, कभी इस प्रोजेक्टर में तो यहाँ पर रील खत्म हुई तो उस वाली की प्रोजेक्टिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसे रील चेंज करने में कम से कम 5 से 10 मिनट का समय जाता था और उस जो रील में मूवी आती थी वो 10 से 15 या 20 मिनट की मूवी आती थी। डेट मीन्स ये है कि जो रीलें आती थी वो कट्टा भर भर के आती थी मूवी को देखने के लिए, तो दोस्तों इसलिए ये कॉन्सेप्ट आए थे कि बीच में इंटरवल देंगे और प्रोजेक्टरों को थोड़ा सा आराम देंगे। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे डिजिटलाइज होता जा रहा है तो वहाँ पर इनकम ऑफ सोर्स पैदा कर दिया है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों आज की डेट में जो प्रोजेक्टर है वो स्पेशली एज अ मतलब रोल के लिए रखे जाते हैं कि हाँ एक प्रोजेक्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको दूसरा प्रोजेक्टर। लेकिन दोस्तों देखते होंगे स्क्रीन प्रोजेक्शन जो है ज़्यादातर एक ही फ्रेम से होता है लेकिन साइड में छिद्दे क्यों दिए जाते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे वो चीज़ होती है जो प्रोजेक्टिंग कर रहे होते हैं क्या प्रोजेक्ट ऊपर नीचे तो नहीं चला गया, तो उसे साइड से झांकने के लिए दिए जाते हैं कि हाँ देख लें कि मूवी सही चल रही है नहीं चल रही है पर्दे पर, क्योंकि उसे हर किसी फ्रेम के जैसे कि मूवी का कोई फ्रेम बड़ा है तो उसे उस हिसाब से प्रोजेक्टर को सेट किया जाता है। डैट मीन्स ये है कि पिक्चर रिलीज होने से पहले पूरी प्ले करके देख ली जाती है। दूसरी चीज़ आती है दोस्तों वाटर स्प्रे, तो दोस्तों कुछ आजकल थिएटरों में मतलब बहुत ही लिमिटेड थिएटरों में आपको ऐसा देखने के लिए मिलता है, जैसे कि कोई पानी का सीन है तो एकदम फुहारा मुंह पे आ जाता है, डैट मीन्स ये कि आप मूवी के अंदर घुस गए फीलिंग आ गई है, तो उस तरीके के कुछ सीन क्रिएट होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं और आपको एक तरीके से एहसास दिलवाते हैं कि हाँ यार ये पानी का सीन था, तो इस तरीके की क्रिएटिविटी आ रही है।
लेकिन दोस्तों कभी कोई आग में कूद जाए तो आग नहीं निकलेगी, ये थोड़े से गलत कॉन्सेप्ट हो जाते हैं पानी का, या बात करी जाए क्योंकि पानी का कॉन्सेप्ट उसी के साथ काम करेगा तब मतलब जो चेयर होती है वो वाइब्रेट करे, जैसे कि मूवी में कोई कार और हिल रही है तो वहाँ पे आपकी कार भी मतलब जो चेयर है वो भी हिलने लगे तो डेट मीन्स आपको फील होगा हाँ यार मैं कार के अंदर बैठा हूँ या मैं जो फ्रेम जो मूवी चल रही है मैं उसी के ठीक जस्ट पीछे बैठा हूँ। तो एक अलग ही अलग लेवल का आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए कुछ ना कुछ सिनेमा ग्राफिक्स करते रहते हैं और उसके अंदर ग्राफिक्स के अंदर ऑडियो हो गई, मूवमेंट हो गया, स्प्रे हो गया या प्रोजेक्शन हो गया, कुछ ना कुछ नया आपके लिए करते रहते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।